स्टूडेंट्स मेरा नाम मुजाहिद है और हम थॉमस कैलकुलस के चैप्टर नंबर वन की एक्सरसाइज सोल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज वन पॉइंट वन के पहले चौवन सवाल कर चुके हैं आज हमने फिफ्टी फाइव से लेकर सिक्सटी टू तक करने हैं इन क्वेश्चंस में सिंपली आपने बताना है कि फंक्शन आपका इवन है या ओड है ठीक है तो चलें जरा स्टार्ट करते हैं फिफ्टी फाइव से अच्छा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव में हमारा जो फंक्शन है वो उसको एच से रिप्रेजेंट किया हुआ है एच ऑफ टी इज एक माइनस वन वन ओवर टी माइनस वन तो तरीका कार इसमें ये होता है कि आपने सिंपली जो इनपुट वेरिएबल है जिसमें टी है जैसे इसमें इसको आपने माइनस से रिप्लेस करके देखना है कि आपको फंक्शंस वही आ रहा है या चेंज हो रहा है या फिर माइनस के साथ आ रहा है तो चलें जरा इसको चेंज करते हैं टी को माइनस टी से रिप्लेस किया दोनों तरफ एच ऑफ माइनस टी इक्वल्स टू वन ओवर माइनस टी माइनस वन अब देखें ये माइनस टी की वजह से ना तो एच ऑफ टी रहा ना माइनस बाहर निकाल लें तो एच ऑफ टी बनेगा मतलब अगर आप माइनस नीचे से कॉमन भी ले, ले लेते हैं तो आप देखेंगे अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा ठीक है ना तो माइनस टी प्लस वन तो ये भी एच ऑफ टी नहीं रहा तो दैट मीन ये फंक्शन आपका ना तो इवन है ना है नीदर इवन नो रोड ओके नेक्स्ट चलते हैं फिफ्टी सिक्स की तरफ और फिफ्टी सिक्स में वंस अगेन एच ऑफ टी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन यहाँ पर आया टी क्यूब का ठीक है तो चलिए इधर इसको चेक कर लेते हैं सिंपली टी को आपने रिप्लेस करना है माइनस टी से एच ऑफ़ माइनस टी इक्वल्स टू राइट साइड पर भी माइनस टी की पावर थ्री एंड उसकी एप्सलूट वैल्यू अब देखें माइनस टी की पावर है थ्री विच इज़ एन ओड नंबर तो आपके पास सिंपली क्या आ जाएगा माइनस टी क्यूब अब एप्सलूट वैल्यू की वजह से ये माइनस ख़त्म हो जाएगा ऐसे ही है ना तो इसका आंसर सिंपली क्या आ जाएगा टी क्यूब एंड दिस इज इक्वल टू एच एफ टी ठीक है तो so दैट मीन कि आपका ये फंक्शन है ये इवन फंक्शन है क्योंकि माइनस इसमें खत्म हो गया मतलब माइनस टी के लिए भी वही वैल्यू दे रहा है और टी के लिए भी वही वैल्यू दे रहा है ठीक है सो so, नेक्स्ट चलते हैं फिफ्टी सेवन में गिवन है जी एच ऑफ टी इज इक्वल टू टू टी प्लस वन विच इज लीनियर फंक्शन राइट दिस इज लीनियर फंक्शन तो चलें जरा टी को रिप्लेस करें माइनस टी से एच ओफ माइनस टी इक्स टू टू टाइम्स माइनस टी प्लस वन देखें मल्टीप्लाई होकर माइनस बाहर माइनस टू टी प्लस वन वंस अगेन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव की तरह यहाँ पर भी ना तो ये एच ओफ़ टी का इक्वल आ रहा है और ना ही ये आपके पास माइनस एच ओफ टी का इक्वल आ रहा है ठीक है तो दैट मीन आपका फंक्शन जो है वो ना तो इवन है ओके नेक्स्ट चलें फिफ्टी एट की तरफ अच्छा जी फिफ्टी एट में हमें फंक्शन uh, गिवन है एच ऑफ टी इज इक्वल टू टू टाइम्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टी प्लस वन तो चलिए ज़रा इसको देख लेते हैं सिंपली टी को करें रिप्लेस माइनस टी से दिस इज इक्वल टू टू टाइम्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस टी प्लस वन

तो so नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है जी फिफ्टी नाइन और फिफ्टी नाइन में जो फंक्शन है थ्रिग्रोमैटिक uh, फंक्शन है सिंपली आप कह सकते हैं एफ ओफ एक्स इज एक टू साइन टू एक्स तो चलिए इसको चेक करते हैं सिंपली जी एक्स को रिप्लेस करें माइनस एक्स से राइट right साइड पर भी साइन टू टाइम्स माइनस एक्स एंगल में आ रहा है ये तो देखें आप यूँ कर सकते हैं कि पहले एक मरतबा इसको लिख लें साइन माइनस टू एक्स और आप जानते हैं अगर साइन के केस में एंगल में माइनस आ रहा हो तो हम इसको बाहर लिख लेते हैं राइट तो सिंपली क्या आ जाएगा जी साइन माइनस साइन टू एक्स आ जाएगा तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपका जो फंक्शन है दिस इज़ एन ओड फंक्शन ऐसे है साइन टू एक्स जो है वो ओड फंक्शन है मतलब सिमेट्रिक है अबाउट ओरिजिन आप लिख सकते हैं माइनस बाहर और साथ में एफ ऑफ एक्स ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसमें भी हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है एंड दिस इज इन दिस केस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क् एंगल का स्क्र आ रहा right? <laughs> तो, है राइट तो सिंपली एक्स को रिप्लेस करें माइनस एक्स से राइट साइड पर भी साइन माइनस एक्स की पावर है टी टू तो चूंकि पावर इसमें इवन नंबर आ गई है तो माइनस खत्म हो जाएगा सिंपली साइन एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दैट मीन ये फंक्शन आपका इवन फंक्शन है यानी इसका जो ग्राफ बनेगा वो सिमेट्रिक होगा अबाउट वाई एक्सिस वर्टिकल एक्सिस ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है सिक्सटी वन सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का और इसमें है जी आपके पास जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस थ्री एक्स कोस थ्री एक्स तो चलें इस रिप्लेस करें जी ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कोस थ्री साथ में एक्स की जगह पर माइनस एक्स एंड दिस इज एक्चुअली इक्वल टू कोस माइनस थ्री एक्स कोज में एंगल में अगर माइनस आ जाता है तो दैट मीन्स आपके पास माइनस ख़त्म हो जाता है सिंपली कोस थ्री एक्स बचेगा ठीक है so, x, तो दैट इज़ इक्वल टू जी ऑफ एक्स इसका मतलब है ये फंक्शन आपका भी इवन फंक्शन है सीट्रिक है अबाउट वाई एक्सिस ओके सिक्सटी टू आज का आखिरी सवाल और बल्कि एक्सरसाइज वन पॉइंट वन का भी आखिरी सवाल है ये जिसमें फंक्शन गिवन है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस कोज एक्स सिंपली एक्स को रिप्लेस करें माइनस एक्स से एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू वन प्लस कोज माइनस एक्स वंस अगेन एंगल में माइनस आ गया तो खत्म कर देंगे इसको वन प्लस कोज एक्स बचेगा एंड दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स राइट तो क्या मतलब हुआ इसका फंक्शन इज अगेन वंस अगेन एन इवन फंक्शन यानी अबाउट y एक्स इसका जो तो ग्राफ होगा ठीक है सो दिस इज़ दी एक्सरसाइज वन पॉइंट वन सिक्सटी टू क्वेश्चन की हैं नेक्स्ट लेक्चर से हम एक्सरसाइज वन पॉइंट टू स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर से मतलब कोई क्वेश्चन क्यों रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अच्छा ये माइनस ख़त्म क्यों होता है यहाँ पर कोज़ के केस में और साइन के केस में खत्म क्यों नहीं होता बाहर आता है इसके लिए अलग वीडियो मैंने बनाई हुई है वो मैं ऊपर ऐड कर दूँगा वो आप देख सकते हैं ठीक है सो आज के लिए इतना ही थैंक यू वेरी मच